हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एंड जस्ट ऑफ के क्या है टैरोस कैसे दिखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको पहले बता देते हैं सी एज फार एज टैरोज कंसर्न एंड एज फार एज टैरोज कंसर्न हैविंग अ मास्टरी ओवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेक्स फॉर मी टैरोज ओनली वन थिंग और वो है एक डिविनेशन टूल टैरो के माध्यम से अपनी वाइब्रेशंस को आप प्रेस कर सकते हैं आप अपनी कार्मिक क्लेंजिंग कर सकते हैं आप अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल सकते हैं अपनी लाइफ के डे टू डे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं तो मेरे लिए ये एक बहुत डिवाइन टूल रहा है एंड हैव बीन वर्किंग ऑन इट सिंस देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट द टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड इसमें कुछ चीजें हैं जो आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे और उनका अपना बहुत ही गहरा महत्व या इंपॉर्टेंस है दैट इज एथिक्स ऑफ टैरो विदाउट नोइंग दथिक्स एंड विदाउट फॉलोइंग इट आप एक अच्छे रीडर नहीं बन सकते हैं फिर अपने चक्रास को जानना अपने चक्रास को क्लेंस करने की और बैलेंस करने की टेक्निक्स को जानना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि योर चक्रास आर नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ योर फिजिकल बॉडी बट दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ योर ऑरा। तो हमें जब किसी के सामने बैठना है रीडिंग करने के लिए तो इतना होना चाहिए कि आपके क्वेरेंट का आप में विश्वास डेवलप हो और जो आप बोले आप सही से गाइड कर पाए then another important technique is grounding and protection since tarot में we are dealing with energies it's totally an energy field that we are entering in तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एक grounded रहें यानि कि आपका root चक्र balanced रहे दूसरा आप खुद की energies को protected रखें क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रीडिंग करने के बाद आप कहें आपके सिर में दर्द हो रहा है या आपको अच्छा नहीं लग रहा या लो फील हो रहा है या एनर्जी ड्रेन फील हो रही है ऐसा क्यों होता है बहुत सारे रीडर्स के साथ होता है ऐसा उसका एक रीजन होता है कि उन्हें ये टेक्निक्स नहीं पता होती हैं सो वंस यू नो हाउ टू ग्राउंड योर सेल्फ हाउ टू शील्ड योर सेल्फ या प्रोटेक्ट योर सेल्फ तो आप अगर एक दिन में एन नंबर ऑफ रीडिंग्स करें क्योंकि दिस हैज बीन एन अचीवमेंट फॉर आर अकेडमी ऑल्सो कि अभी तक हमने जितने सेशंस uh, लिए हैं उसमें से अराउंड 80 परसेंट दे गॉट वेल प्लेस्ड और कुछ इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनका प्लेसमेंट हुआ है उनका ये एस्ट्रोटॉक एस्ट्रोसेज एस्ट्रो योगी इन सब में हुआ है प्लेसमेंट एंड दे आर वर्किंग दे एज रीडर्स कुछ लोग अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं सो दैट हैज बीन एन अचीवमेंट दैट वी हैव गेंड सो इट इज ऑल्सो मेकिंग यू फिनेंशियली इंडिपेंडेंट फिर प्रोटेक्शन के साथ क्या होता है आप एक दिन में कितनी भी रीडिंग्स कर सकते हैं यू डोंट हैव टू लिमिट योर सेल्फ आप किसी इवेंट में जाते हैं आप वहां पर जितने लोगों से मिलते हैं आप रीडिंग कर पाएंगे एंड विदाउट गेटिंग ड्रेन्ड ऑफ यूल इंजॉय योर वर्क दैट इज द मोटिव फिर आप इसके सिंबल्स को समझ सके और उन्हें सही से इंटरप्रेट कर सके इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस क्लास अपने डेक को कैसे रखना है एज आई टोल्ड यू कि ये एक डिविनेशन टूल है आप अपने डेक को कैसे संभाल के रखेंगे आप अपने डेक को कैसे स्प्रेड करेंगे हर कार्ड की अपनी एक अलग स्टोरी है उस स्टोरी को समझना उस स्टोरी को अपनी रियल लाइफ से एंड आई एम श्योर एबल टू लिंक और कई सोल्यूशन आप अपनी लाइफ के इन कार्ड्स के माध्यम से पा पाएंगे देन मेडिटेशन ऑन डिफरेंट कार्ड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत से लोग नहीं कवर करते हैं दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इन द क्लास लाइव क्लास में ये कराया जाता है स्पेशली कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जिनके मेडिटेशन से आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं आपको प्रॉपर्टी का सपना पूरा हो सकता है आपके रिलेशनशिप का सपना पूरा हो सकता है उनके मेडिटेशन टेक्निक्स आपको बताए जाएंगे आपको कौन सा कैंडल या कौन सी खुशबू यूज करनी है किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए वो सारा आपको बताया जाएगा सो दैट विल बी कवर्ड अंडर रेमेडीज यूजिंग टैरो राइट नाउ कमिंग टू एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बहुत सारे डेक्स हैं आज अगर मैं अपने पास ही देखूं तो ट्वेंटी से ऊपर डेक्स मेरे पास हैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट टैरो इज डेक ऑफ हियर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रेफरिंग टू राइडर वेट्स इट इज ऑफ सेवेंटी एट मिस्टिकल कार्ड मिस्टिकल क्यों कहा गया है मिस्टिकल इसलिए क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो आप कहेंगे कि अंडर द लाइंस हैं या सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन uh, जब हम करने जाएंगे तो आप उसकी गहराइयों में जब जाएंगे तो आप कहेंगे अरे ये कार्ड इतना बात करता है इतना बोलता है सो दैट इज द रीजन वाई दे आर कॉल्ड मिस्टिकल एवरीबडी इज नॉट अवेयर ऑफ आप जिनके लिए रीडिंग करेंगे वो भी उस कार्ड की पिक्चर को देख के वो चीज इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे जो आप उन्हें बता देंगे देन इसको डिवाइड किया गया है मेजर और माइनर आरकाना में बाईस कार्ड्स जो हैं वो मेजर आरकाना के हैं जो इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो पर्सोनिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर आर्क टाइप में या फिर कोई आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स या मेजर चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं बाकी फिफ्टी सिक्स कार्ड जो है those are known as minor ये किसको रिप्रेजेंट करते? ये हमारी लाइफ में हो रहे छोटे छोटे इवेंट्स को लोगों के आइडियाज़ को, बिहेवियर्स को उनकी एक्टिविटीज या गतिविधियों को जिस वजह से वो मेजर चेंज आता है लाइफ में हर कार्ड पे अगर आप देखेंगे एक इमेज बनी हुई है उस कार्ड का एक नाम भी है और एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन है ये सब क्या है ये पोटेंट सिंबल्स हैं इनके अपने बहुत स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं टैरो बेसिकली अगर आप देखो तो इट इज यूनिवर्सल लैंग्वेज यूनिवर्सल क्यू देखिए पहले के टाइम में जब लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं था अगर हम अर्ली मैन स्टेज पे जाए तो लोगों ने हर चीज को सिंबॉलिक लैंग्वेज से रिप्रेजेंट किया था जो एक्सकवेशन के दौरान अलग अलग जगहों से पाए भी गए जैसे हम बच्चों को भी सिखाते हैं सूर्य को रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या करते हैं सर्कल बना के और आ, उसके बाहर लाइंस बना देते सो दे आर रिप्रेजेंटिंग सन माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करना है तो वो लाइंस ऐसे ट्रायंगुलर शेप में बना के दे रिप्रेजेंट माउंटेन्स सो एनी सीज इट कोई भी जो उसको देखे तो वो क्या कहेगा वो कहेगा कि ये तो बहुत इजी है समझना ये सन है ये माउंटेन है तो उसी प्रकार से टैरो की भी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है क्योंकि किसी स्पेसिफिक भाषा तक इसको सीमित नहीं किया गया सिंबॉलिकली किया गया तो इट कैन बी ईजिली इंटरप्रिटेड बाई एनी वन एनी लैंग्वेज आज दो माध्यम में तो मैं ही आपसे बात कर रही हूँ हिंदी में और इंग्लिश में सो आई एम एक्सप्लेनिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस कि आप लोग इसका इंटरप्रिटेशन समझ पाएंगे सो दैट इज वाई ये सिम्बॉलिक लैंग्वेज बहुत आसानी से आप आगे फैला सकते हैं आप खुद दूसरों की सहायता कर सकते सिम्बॉलिक लैंग्वेज से इनफैक्ट आप इससे खुद के जीवन को भी सुधार सकते हैं नाउ जस्ट अ ग्लिम ऑफ के ये जितने भी कार्ड्स आप देख रहे हैं ये सारे हैं मेजर आरकाना कार्ड्स ये सारे मेजर आरकाना कार्ड्स हैं जो मैंने इस समय लगा रखे हैं इस पे स्प्रेड पे एंड दिस इज हाउ वी एक्चुअली कीप आर स्प्रेड ये नीचे जो आप ब्लूइश कलर का देख रहे हैं कभी भी रीडिंग <laughs> करने से पहले हम पहले एक स्प्रेड बिछाते हैं स्प्रेड कैन बी एनी कलर क्लॉथ दैट यू फील यू आर कंफर्टेबल विथ ये जैसे ब्लू है मेरे पास ऐसे दो तीन स्प्रेड्स और हैं एक रेड कलर का है विथ अ सिंबल ऑन एट एक मून uh, की एनर्जीज का है ल्यूनर एनर्जीज का दैट इज ऑफ पर्पल कलर तो जहां आप कनेक्ट हो पाए आप अपने लिए वैसा एक स्प्रेड ले सकते हैं देन देर आर डिफरेंट थिंग्स दैट वी यूज टू एनहस वन थिंग एंड सेकेंडली के अगर आपको किसी को ये चीज बतानी है या आपको किसी के सामने प्रेजेंटेशन रखनी है तो वो आप अच्छे से रख सके जैसे यहां आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एंजल फिगरीन लिया है राइट right? यहाँ पे बिकॉज आई एम अ बिलीवर ऑफ माँ दुर्गा तो मैंने <laughs> एक छोटी सी पिक्चर uh, उनकी रखी है देन आई हैव केप्ट सम क्रिस्टल्स अराउंड तो ये आपके ऊपर है आप प्रेजेंटेशन कैसे रखना चाहते हैं सम पीपल कीप इट सिंपल बिल्कुल सिंपल रखते हैं एंड इवन व्हेन आई एम ट्रैवलिंग जैसे आउट स्टेशन होता है या आई एम पार्टिसिपेटिंग इन एन इवेंट जहां पे मेरे को रीडिंग करनी है तो वहां पे मैं भी इसको कैसे कैरी करती हूँ विद डिफरेंट क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स की भी थोड़ी बहुत चीजें कौन सा क्रिस्टल आप अपने पास क्यों रखेंगे और कैसा दिखता है वो सारा आपको इस जर्नी के दौरान बताया जाएगा सो इन शॉर्ट यूल बी हैविंग अ मल्टीपल डायमेंशनल नॉलेज वन मीडियम ऑफ टैरो राइट तो ये एक ग्लिम्स है राइडर वेट्स के मेजर आरकाना कार्ड्स की कि ये कैसे दिखते हैं राइट right? इसको मैंने इसलिए एक स्प्रेड पे लगा के पिक्चर खींची सो दैट एवरीबडी कैन हैव एन आइडिया कि हम एक्चुअली रीडिंग करते हुए क्या क्या चीजें रखते हैं अपने पास नाउ टैरो को हम एक यूनिक टूल क्यों समझते हैं इसमें बहुत सारे सिम्बल्स हैं कलर्स हैं जिनका बहुत ही गहरा मतलब है और हर लेयर जैसे आप एक अनियन देखते हो तो जैसे ही आप हर लेयर को अनफोल्ड करते हो समथिंग डिफरेंट लाइंग इन वैसे ही क्या है कि टैरो में भी जैसे ही आप इस सिंबॉलिक लैंग्वेज को धीरे धीरे अनफोल्ड करना सीखते हो तो यू रियलाइज के बहुत सारी मीनिंग्स इस एक चीज में छुपी हुई हैं। ये एक्चुअली हमारे से खुद कनेक्ट कर जाते हैं और कई चीजें ये अनकवर कर देते हैं जो कि अदरवाइज हम डिनाई कर देते देखिए बहुत सारी चीजें हम जानते हैं डे टू डे लाइफ में एंड uh, एक सर्टन एक्सपीरियंसियल नॉलेज जो हम गेन करते हैं ओवर अ टाइम स्पैन दैट वी स्पेंट ऑन अर्थ तो वो भी हमें सिखाता है कि हमें ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए लेकिन इन कार्ड्स के माध्यम से जो चीजें डिनाई करते आ रहे हैं हम कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता या इसको स्किप किया जा सकता है आप वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब आप इनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो मैसेजेस डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में आ जाते हैं देन यू कैन नॉट डिनाई ये यूनिवर्सल लैंग्वेज हमारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है इससे हम बहुत हेल्प हमें मिलती है

हमें लाइफ से एक्चुअली क्या चाहिए जब हम इस बारे में जान जाते हैं तो हम उसी के हिसाब से एक्ट करने लग जाते हैं राइट right?